दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। आईपीएल के इस मैच के बारे में अगर बात करें तो यह 56वां मैच आज का खेला गया। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों के बीच में बात करते हैं इस मैच के पूरे हाईलाइट के, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हाईलाइट मिलते रहें। दोस्तों मुंबई और कोलकाता के इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। कोलकाता की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी और कोलकाता ने 165 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जवाब में मुंबई की इंडियन की टीम 113 रन ही बना सकी 17.3 ओवर में और 52 रनों से इस मैच में मुंबई को हार मिली। कोलकाता की टीम आज फिर से 52 रन से इस मैच को जीत गई है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं पूरे हाईलाइट के बारे में और बताते हैं किस खिलाड़ी ने आज कितने रन बनाए। दोस्तों कोलकाता की तरफ से अय्यर ने 24 गेंदों में 43 रन, रहाणे ने 24 गेंदों में 25 रन, नीतीश राणा ने 26 गेंदों में 43 रन, श्रेयस अय्यर ने 8 गेंदों में 6 रन और रसल ने 5 गेंदों में 9 रन, जैक्सन ने 7 गेंदों में 5 रन और कमिंग्स और नारायण साउथी इन्होंने खाता नहीं खोला। अब आइए चलते हैं, बताते हैं आपको मुंबई इंडियंस की टीम के किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से आए रोहित शर्मा और ईशान किशन खेलने के लिए। रोहित शर्मा ने 2 रन और ईशान किशन ने 51 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 6 रन और उसके बाद डेविड ने 9 गेंदों में 13 रन, पोलार्ड ने 15 रन और सैम्स ने 1 रन, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने खाता नहीं खोला। दिनेश कार्तिक की बात करें तो इन्होंने 5 गेंदों में 3 रन और बुमराह भी खाता नहीं खोल सके। तो दोस्तों इस तरह से कल के मैच के बारे में आपके पूरी जानकारी मैंने दिया। दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं एक्स्ट्रा के रूप में कितने रन आए। मुंबई को एक्स्ट्रा के रूप में 10 रन मिले जिनमें टोटल रनों की संख्या हो गई 113 रन। दोस्तों पहला विकेट सिर्फ 2 के स्कोर पर ही रोहित शर्मा आउट हुए, यही वजह थी कि आज एक बार फिर से मुंबई की टीम बहुत ही बुरी तरीके से इस मैच में हार गई। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट के अपडेट और हाईलाइट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों हम आपसे लगातार ऐसे ही वीडियो के साथ में मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले मैच के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों एक बार और जानकारी देना चाहेंगे कि कोलकाता की टीम आज जो है 52 रनों से जीत गई है, जबकि मुंबई की टीम ने टॉस जीते के बाद में पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। चलिए दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। आईपीएल के इस मैच के बारे में अगर बात करें तो यह 56वां मैच आज का खेला गया। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों के बीच में बात करते हैं इस मैच के पूरे हाईलाइट के, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हाईलाइट मिलते रहें। दोस्तों मुंबई और कोलकाता के इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। कोलकाता की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी और कोलकाता ने 165 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जवाब में मुंबई की इंडियन की टीम 113 रन ही बना सकी 17.3 ओवर में और 52 रनों से इस मैच में मुंबई को हार मिली। कोलकाता की टीम आज फिर से 52 रन से इस मैच को जीत गई है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं पूरे हाईलाइट के बारे में और बताते हैं किस खिलाड़ी ने आज कितने रन बनाए। दोस्तों कोलकाता की तरफ से अय्यर ने 24 गेंदों में 43 रन, रहाणे ने 24 गेंदों में 25 रन, नीतीश राणा ने 26 गेंदों में 43 रन, श्रेयस अय्यर ने 8 गेंदों में 6 रन और रसल ने 5 गेंदों में 9 रन, जैक्सन ने 7 गेंदों में 5 रन और कमिंग्स और नारायण साउथी इन्होंने खाता नहीं खोला। अब आइए चलते हैं, बताते हैं आपको मुंबई इंडियंस की टीम के किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए।
मुंबई इंडियंस की तरफ से आए रोहित शर्मा और ईशान किशन खेलने के लिए। रोहित शर्मा ने 2 रन और ईशान किशन ने 51 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 6 रन और उसके बाद डेविड ने 9 गेंदों में 13 रन, पोलार्ड ने 15 रन और सैम्स ने 1 रन, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने खाता नहीं खोला। दिनेश कार्तिक की बात करें तो इन्होंने 5 गेंदों में 3 रन और बुमराह भी खाता नहीं खोल सके। तो दोस्तों इस तरह से कल के मैच के बारे में आपके पूरी जानकारी मैंने दिया। दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं एक्स्ट्रा के रूप में कितने रन आए। मुंबई को एक्स्ट्रा के रूप में 10 रन मिले, जिनमें टोटल रनों की संख्या हो गई 113 रन।